हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है, जिस दिन हम हर चीज़ को पीले रंग का बहुत ही महत्व देते हैं। हम पीले रंग का पुष्प माता सरस्वती को अर्पित करते हैं और पीले रंग का खाना खाते हैं, पीले रंग का ही सब कुछ करना पसंद करते हैं। तो इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हमारे यहाँ पे इसको सरस्वती पूजा बोला जाता है। आपके यहाँ पे, आपके शहर पे इसको क्या बोला जाता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सा मिठाई का डिश। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी चावल। एक कटोरी अगर आप चावल ले रहे हैं तो उसी के माप के अनुसार आपको एक कटोरी चीनी भी लेना है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं आलमंड, किशमिश, काजू, जिसको मैं अभी घी में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है, दालचीनी लिया है, लौंग लिया है, इलायची लिया है, तेज़पत्ता लिया है और घी लिया है। और ये है फ्लेवर्ड कलर है, आप चाहो तो इसकी जगह आप केसर भी ले सकते हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल को हमारे प्रेशर कुकर में। आप ये ट्रिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए मैंने पहले क्या करेंगे, पहले हम कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे क्योंकि हमको ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट्स में पहले मैं क्या करूँगी, जैसे ही हमारा जो घी है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसे ही हमें अब हम इसमें अपने जितने भी काजू हैं वो डाल देंगे। थोड़े इसको क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे ताकि जब हम इसको अपने मीठे चावल के अंदर दें तो उसका एक अलग ही कलर आए। क्योंकि आप इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे तो उसका एक अलग ही कलर आएगा। तो अब आप देखिए हमारे जो काजू है कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। इसी तरह आपको पूरी तरह उसे भूनना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी घी में हमारे जितने भी सब सूखे इंग्रेडिएंट्स थे, लाइक तेज़पत्ता हुआ, इलायची हुई, लौंग हुई, दालचीनी हुई, अब हम इसको डाल देंगे। तो अब आता है हमारा ऐड करने का चावल का बारी। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है चावल। तो चावल को हम लोग को थोड़ा सा उसको भूनना है ताकि उसका जो वो थोड़ा पानी था उसको वो अच्छे से अब्जर्व कर ले। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जब भी हम कुकर में बनाते हैं तो ऑलरेडी हम कुकर में ऑलरेडी उतना पानी डालते हैं, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा घी में थोड़ा सा सेकिए ताकि उसका वो जो एरोमा है वो उस चीज़ को टोटली ऑब्जर्व करे। आप इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपका टाइम भी बहुत सेफ होगा और उसके साथ साथ मतलब खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए अभी हम लोग का ऑलमोस्ट जो चावल है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो देख पा रहे होंगे एकदम जो चावल स्टिकी नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और एक भी चीज़ है, अगर आप चावल को अच्छे से सेक के दोगे, एक तो आपको यहाँ पर वो पूरी तरह से घी को ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा चीज़ तो चावल जो होगा वो बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब आता है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, वो है हमारा ये फ्लेवर्ड येलो कलर। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा चीनी अच्छे से। तो आप अच्छे से थोड़ा सा मिला दीजिए ताकि जो चीनी है वो हर चावल के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो सके। उसके बाद अब हम इसमें मिला देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश। तो आलमंड मैं पूरी तरह से लास्ट में मिलाऊंगी। तो ये है, अब इसको थोड़े टाइम देते हैं जब तक हमारा कुकर रिलीज़ होता है अच्छे से इसको थोड़ा सा। हाँ, और एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आप तब तक इसको मत खोलिएगा जब तक कि अपने आप ही कुकर रिलीज़ हो। एक बार वो अपने आप खुले उसके बाद ही कीजिएगा, नहीं तो आप देखेंगे अगर आप
हड़बड़ में इसको थोड़ा खोल देंगे ना, तो क्या होगा ना, वो चावल का वो अच्छे से वो टेक्सचर जो होता है ना वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो लुक एट द कलर, इतना प्यारा कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही सुपर है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैंने ये रेसिपी बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज बसंत पंचमी के दिन आपके शहर में इसको क्या बोला जाता है। जैसे कि हमारे शहर में इसको सरस्वती पूजा बोला जाता है, तो आपके वहाँ पर क्या बोला जाता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।